हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का जो प्रीपोजिशन आर्टिकल या डिटर्मिनर उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसका आंसर कीजिए, उसके बाद मैं फिर से उसका आंसर बोलूँगा। सो पहले बोल देता हूँ क्वेश्चन, डू यू नो द रीज़न डैश हिज एब्सेंस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी टू। सो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसका कितना करेक्ट हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, मेरी पास्ट मी डैश आर बाइसिकल। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी अबव, ऑप्शन डी ऑन। आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, आई विल बी देयर आफ्टर डैश आवर। ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी बाई। सो कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर डी, ही इज़ फॉन्ड डैश टी। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी नान। सो कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ई, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। मुझे टी पसंद है कॉफ़ी से। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फोर, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी नान। सो कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, यानी छः नंबर क्वेश्चन, राम गोज़ टू स्कूल डैश फूड। राम पैदल जाता है स्कूल में। ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी टू। क्वेश्चन नंबर जी, आई विल गो टू स्कूल डैश बस। ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी टू। सो कौन सा करेक्ट होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए किसका कितना किसने कितना अटैम्प्ट किया। और अभी मैं आंसर बोल रहा हूँ किसका कितना करेक्ट हुआ, एट द एंड मुझे बताना। सो डू यू नो द रीज़न डैश हिज एब्सेंस। तुम्हें पता है क्या उसका एब्सेंस होने का, नहीं आने का या इधर एब्सेंस होने का क्या रीज़न है। सो फॉर, किस लिए नहीं आए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर। ध्यान रखना, डू यू नो द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस, मतलब इसका रीज़न क्या है, रीज़न के साथ फॉर बैठता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बी, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन, मेरी पास्ट मी डैश आर बाइसिकल। मेरी मुझे ड्रॉप किया उसके बाइसिकल पे बैठा के। सो किसी भी चीज़ में बैठा करने से, सो उसका राइट आंसर होगा ऑन। ध्यान रखना, राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑन। क्वेश्चन नंबर सी, आई विल बी देयर आफ्टर डैश आवर। सो ये आर्टिकल है, सो कौन सा करेक्ट होगा। सॉरी, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन। सो हवार जो ये नहीं होगा, कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा आवार। सो ओ आप लोगों को पता है, ओ भावेल है और भावेल साउंड से पहले एन बैठता है, ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी एन। क्वेश्चन नंबर डी, ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड के साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ बैठता है, ध्यान रखना। कहीं पे भी मिले तो आप लोग ऑफ बैठा ना। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नान। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर ई, यानी पांच नंबर क्वेश्चन, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ऐसे डिफरेंस अगर मतलब किसी दो चीज़ में एक प्रेफर है, सो इसमें होगा ऑप्शन ए टू, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एफ, राम गोज़ टू स्कूल डैश फूड। राम स्कूल जाता है पैदल। सो ऐसे खुद के पैरों में अगर जाओ, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन फूट, ध्यान रखना। आई गो टू स्कूल बाई बस, ये बाई होगा क्योंकि बस से हम लोग जाते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाई। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। किसका कितना करेक्ट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।